खाटू श्याम के महान बलिदान से काफी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बरबरी को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। वरदान देने के बाद उनका शिष्य खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में स्थापित किया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। ऐसा लोकमत है कि एक गाय उस स्थान पर आकर प्रतिदिन अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः बहाती थी। बाद में जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां पर शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तब उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। इसलिए हमेशा देव उठनी एकादशी को ही श्री खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी तरह आज रविवार दिनांक 14 नवम्बर को दाबा के सुनील तिवारी के निवास स्थान से निशान यात्रा लावा के श्री राधा मोहन खाटू श्याम मंदिर तक निकाली गई। यात्रा में ठंडे पानी तथा शरबत की व्यवस्था की गई थी। बताया गया कि लावा मंदिर में हर रोज 5 आरती होती है। सुबह 5:30 बजे मंगल आरती, 8:30 बजे श्रृंगार आरती, भोग आरती 11:20 के दरमियान, संध्या आरती 6:45 को और सैन आरती 9:10 को हर रोज होती थी। और साथ ही भक्तों के लिए हर रविवार को भव्य महाप्रसाद का वितरण होता है। बताया गया कि लावा के खाटू मंदिर में जो भी भक्त आता है वह खाली हाथ लौट के नहीं जाता। भक्तों की हर समस्या का निवारण होता है और भक्तों को संतुष्टि मिलती है, ऐसे उपस्थित भक्तजनों का कहना है। श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और जी खोलकर खाटू जी की पूजा अर्चना करते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद भक्त भोग चढ़ाते हैं और महाप्रसाद बांटते हैं। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था, साथ ही रात को महाप्रसाद का वितरण हुआ था। पंडितों द्वारा आरती का जप किया गया। निशान यात्रा तथा मंदिर में सैकड़ों भक्तगण प्रमुखता से उपस्थित थे। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम बोलता हूँ। आज श्याम बाबा की बड़ी एकादशी जन्मदिवस के रूप में पैदल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा दाबा से श्री श्याम खाटू श्याम मंदिर लावा तक निकाली गई है। बहुत सारे भक्तों ने भगवान की इस यात्रा में सहयोग कर आनंद लिया है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं जया पवन आचार्य, नागपुर वाड़ी से। श्याम बाबा कलयुग के बाबा कहलाए जाते हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर माह कार्तिक शुक्ल को देव उठते एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं बरबरिक यानी खाटू श्याम जी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बरबरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। वरदान देने के बाद उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।